नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सुबह। आज मैं बनाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग सा रेसिपी। उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो मैं यहाँ पे पतीला बिठा दी हूँ और यहाँ पे घी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून शुगर डाल दी हूँ। मुझे यहाँ पे कैरामलाइज कलर करना है तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कैरामलाइज कलर करने के लिए वेट करती हूँ। और होके लाइट कलर आ गया है, बस और 1 सेकंड के लिए मैं कर लूँगी। और ये मेरा कैरामलाइज कलर बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या की हूँ, खीर का चावल है जो कि मैं यहाँ पे आधा घंटा के लिए मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे। और आपके पास अगर खीर का चावल नहीं है अवेलेबल तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल बासमती राइस को ग्राइंडिंग कर लीजिएगा, या फिर अरवा चावल को भी ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चावल डाल दे रही हूँ और इसको मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी, उससे ज़्यादा नहीं भूनना है आपको। और इसको जैसे ही 1 मिनट, देखिए अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। और जैसे ही हो जाता है 1 मिनट भुनने के बाद, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आधा कटोरी पानी ऐड कर लूँगी, जो कि आधा कटोरी पानी डालने से थोड़ा सा चावल मेरा अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाए। हल्का सा चावल मेरा कुक हो गया है और इसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, दूध डाल देने वाली हूँ। और दूध को मैं पहले से ही बॉयल कर ली थी 5 मिनट के लिए। और ये सारा दूध, जैसे कि मैं 1 लीटर दूध ली हूँ उसके लिए, और इसको चलाते रहेंगे और 20 मिनट तक आपको इसको पकाना है, चावल और दूध जैसे मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। चावल और दूध अच्छे से मिक्स होने के लिए लगभग मुझे यहाँ पे 45 मिनट्स लगा है। और 25 मिनट्स में देखिए मेरा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं आधा कटोरी चीनी डाल दे रही हूँ और आधा कटोरी मैं यहाँ पे मिल्क मेड डालूँगी। आपके पास अगर मिल्क मेड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे 3/4 कप चीनी डाल दीजिएगा। देखिए आधा कटोरी यहाँ पे मैं मिल्क मेड डाल दे रही हूँ और इसको मिक्स करके मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद देखिए मैं यहाँ पे इलायची पाउडर, जो कि मैं 10-10 पीस ली हूँ, इसको 3 से 4 में इलायची ली हूँ और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके और 5 मिनट इसको छोड़ देने वाली हूँ। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो उसके लिए मुझे और 5 से 10 मिनट चाहिए। तो चलिए 5 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे खीर मेरा कैसा बना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं चारमगज, काजू, किशमिश को मैं हल्का घी में फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे अभी मैं चारमगज, थोड़ा सा काजू, किशमिश थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी बाद में, इसीलिए रख लूँगी थोड़ा सा। देखिए इसको डाल के और 5 मिनट बॉयल कर लीजिए, उसके बाद आपको गैस बंद कर लेना है। मुझे यहाँ पे कैरामलाइज खीर बनाने के लिए 30-35 मिनट्स लगाए। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है एकदम से। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप ये रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो।